हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं बोध गया ब्लॉग करने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, मॉर्निंग का टाइम है और ब्लॉग चल के जल्दी से शुरू करते हैं वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अभी अपने फ्रेंड के पास आने वाला हूँ, तो एक्चुअली उसके फ्लैट के नज़दीक से एक रास्ता जाता है शॉर्टकट बोधगया की तरफ, तो अभी हम लोग उसी की तरफ से जाने वाले हैं। अभिषेक, से हाय टू द कैमरा, हियर इज माय फ्रेंड। तो अभी चलिए चलते हैं। चलिए अपना ब्लॉग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी पहुंच चुके हैं तिब्बतियन मार्केट। ये है पूरा यहाँ का मार्केट तिब्बतियन, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो सारा हैंडीक्राफ्टेड से देखा लू भाई साहब। अभी देख लो, मेरे पीछे बता रहा हूँ कितना सही बना हुआ है। तीन छोटी सी बच्ची है, देख सिर्फ एक रो पे चल रही है। चलिए अभी ई रिक्शा पकड़ते हैं और चलते हैं यहाँ से। फाइनली अभी हम लोग को मिल गई ई रिक्शा यहाँ पे, जो अभिषेक भाई बहुत टेंशन हुई यार, उसने टाइम से एक ई रिक्शा नहीं मिल रहा था। तो अभी हम चलने वाले हैं टेम्पल्स घूमने, तो लेट्स गो, मिलते हैं आपको टेम्पल्स में। बाय। यहाँ पे अभी एक्चुअली में कोई फंक्शन चल रहा है, इस कारण से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो आप अपनी व्हीकल्स लेके यहाँ पे अभी नहीं आ सकते। फर्स्ट मंथ आप अभी आ चुके हैं हम थाई मंदिर में, तो चलिए देखते हैं। ये देख लो आप पहले, ये है ऑल ओवर थाई मंदिर। हाई सनराइज के कारण आपको दिख नहीं पा रहा होगा, बट अंदर चल के आपको दिखलाता हूँ, लेट्स गो। तो भाई साहब ये है थाई मंदिर, देख सकते हो बड़ा सॉलिड इसका कंस्ट्रक्शन है यार। अभी ये आपको पहला मंदिर दिखा रहे हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, चलो अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ से ले लो आप एक क्लोजर लुक, देख सकते हो सही बना हुआ। यहाँ सब देख सकते हैं कितने टूरिस्ट आए हुए हैं भाई। यहाँ ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, फॉरेनर्स भी आते रहते हैं, मैक्सिमम फॉरेनर्स ही होते हैं बोलूँ तो। एक्चुअली मैं आपको भी अगर यहाँ पर आना है तो ये बेस्ट टाइम है, विंटर्स यहाँ घूमने के लिए बहुत सही जगह है, आप वीकेंड्स में यहाँ पे आ सकते हो। ये देख लो, चलो अगर एलोवेंस होगी तो आपको अंदर से भी दिखला देता हूँ क्लोजर लुक की कैसा है, लेट्स गो। तो भाई साहब अभी वापस से आ गया हूँ अपनी ई रिक्शा की तरफ से, तो चलते हैं दूसरी टेंपल में। तो भाई साहब अभी हम लोग जाने वाले हैं 80 फीट की, यहाँ एक स्टैचू है इनकी गॉड बुद्धा की, तो चलिए अभी ये भैया अभी उनको वहाँ लेके जा रहे हैं अपने रिक्शा से, तो चलिए देखते हैं वहाँ पे, लेट्स गो। बाकी आप यार देख लो रास्ता।
गाइज आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और भी टूरिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलो क्या आप मेरे पीछे देख सकते हो लॉर्ड बुद्धा की, वही है स्टैचू 80 फीट, नज़र नहीं आ रही अपने पर। ओके चलिए तो नज़दीक से जाके आपको दिखलाते हैं, क्योंकि डुंटू सनरेज आपको वो क्लियर नज़र नहीं आ रही है, सनलाइट सॉरी। तो चलिए अभी आपको नज़दीक से एक क्लोज़र लुक देते हैं वहाँ का, लेट्स गो। तो भाई साहब देख सकते हो आप, यही है वो स्टैचू, बैक कैमरा दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि फ्रंट से वो नज़र नहीं आ रही थी। ये देख लो गजब होते एक बार, हाँ सॉलिड है यार, बहुत सही है, सॉलिड है। तो ये 80 फीट के लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू, भाई साहब इधर आओ तो ज़रूर घूमने आना यार, बहुत सॉलिड है। चलो और आपको दिखाता हूँ आगे चल के, अभी लेट्स गो गाइस। तो अभी आ गए हम स्टैचू के एकदम नज़दीक में, साइड में आप देख सकते हो ये जो स्टैचू आपको नज़र आ रही है वो मॉन्क्स की हैं, जो उनके फॉलोवर्स थे लॉर्ड बुद्धा के, बोला जाए तो स्टूडेंट हो। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो होप गाइस यू लव दिस वीडियो, चलिए आगे वाली अब देखते हैं टेम्पल, लेट्स गो बाय। अभी हम छोड़ने वाले हैं 80 फीट को, अब देख भाई बाय तो बोल दे टेम्पल को, एटलीस्ट निकलते निकलते बाय बोल दे यार, बाय बोलने बाय आपको भी बाय नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अभी बहुत वीडियो बनाना है आगे दिखाना। तो चलिए अभी चलते हैं अपने ई रिक्शा पे और चलते हैं नेक्स्ट टेम्पल में, बाय। भाई साहब अपनी यहाँ की कॉफ़ी कैफे डे, जो उससे किसी बार चला जाए फिर नेक्स्ट बार चलेंगे, अभी तो पहले इन लोगों को दिखा रहे हैं। चलो पहले आप देख लो उसके बाद चला जाएगा, उसके चला जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मेला वेला लगा हुआ है तो आपको मेला भी दिखला देंगे, टेंशन नहीं लेते। चलो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल भाई साहब, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं अभी, बट पहले ये वाली वीडियो पूरा कम्प्लीट देखो। तो गाइस ये है मेहता बुद्धाराम टेम्पल, आज संडे है और ये क्लोज है, संडे एट मिडनाइट से क्लोज सिटी यार, हम लोगों को पता नहीं था पहले से, बट फिर भी आपको ओवरव्यू एक दिखा देता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हो, देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग कितनी अच्छी है भाई, कलाकारी घुट घुट के भरी है, बुद्धि बोल कंस्ट्रक्शन देख रहे बहुत तगड़ा है। वो रहा स्टैचू, पूरा व्यू नहीं दिखाने के लिए आज के लिए सॉरी, बट फिर भी कोशिश की जूम करके आपको दिखा सकूँ पूरा, और आप देख सकते हो क्लियर, आपको यहाँ से पता लग ही गया होगा, फिर भी कोई नहीं, अगली बार अगली वीडियो में पक्का आपको दिखाएंगे, क्यों अभी से हाँ पूरा एकदम हाँ एकदम पक्का दिखाएंगे। तो चलिए भाई साहब चलते हैं अब दूसरी वाली टेम्पल में, ये हो गया, ये तो क्लोज था नहीं तो आपको अच्छे से दिखला देता। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे टेम्पल में, तब तक लिए बाय बाय। टेम्पल में आने के लिए पहले आपको अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है बाहर में, जैसे कि हमें भी करना पड़ा वहाँ सिक्योरिटी, हाँ वहाँ एक सिक्योरिटी थे ऑफिसर थे जिन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे नाम मेंटेन करना है, तो हमने अपना नाम मेंटेन करके वहाँ पे फिर एंट्री ले ली इधर की। तो ये कौन सा टेम्पल है अभिषेक भाई, करमप्पा। तो जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि ये करमप्पा टेम्पल है, जहाँ पे चाइनीज़ बुद्धिस्ट आकर यहाँ पे रहते थे, तो आप देख सकते हो, एक क्लोजर लुक ले लो यहाँ से, तो आप दिखाई
हाँ ये देख लो भाई साहब, बड़ी तगड़ी चीज है ये, देखो ये ऑल टाइम मूव करती हुई रहती है, देख सकते हो सारे जगह पे ये लगा हुआ है। अब पता नहीं कैसे इसके पीछे का टेक्निक तो मेरे को नहीं पता, अब यहाँ पे मोटर लगा हुआ है कि क्या फिट है, बट ये मूव करती हुई रहती है, देख सकते हैं आप ऑल टाइम। हाँ आप अपने हाथ से भी इसको ऐसे राउंड कर सकते हो। तो चलिए और चलते हैं इधर से भाई साहब, चलिए आपको और अभी घुमाते हैं, देखते हैं कि क्या है मप्पा टेम्पल में। तो कैमरा मैन अपने फ्रेंड अब से को बोलना चाहूँगा कि भाई इधर आ जा, दिखाते हैं। कुछ भी कहो यार, जगह बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। बोलने का मतलब कि यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आपको बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही सही जगह है। तो आप देख सकते हो, इधर का लुक ले लो एक क्लोजअप। मंदिर के अंदर हम लोग एंटर करो भाई साहब, यही है करमप्पा टेम्पल, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देख सकते हो। भाई साहब अंदर में अभी मेडिटेशन चल रही है, तो आपको बोल के तो वहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, बट आपको अंदर से दिखा देता हूँ, आप देख लो क्योंकि वो लोग बहुत ही साइलेंस में है और हम नहीं चाहते कि वहाँ पर जाके कुछ भी होगा करें, इसलिए चलिए अंदर से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है करमप्पा टेम्पल, वहाँ साहब बहुत तगड़ी यहाँ पे साइलेंस है। चल एग्जिट की तरफ चलते हैं, इधर देखते हैं क्योंकि और भी बहुत सारा टेम्पल है यार, यहीं पर टाइम वेस्ट मत कर। चल तो अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। भाई साहब कुछ भी हो, गजब की शांति थी यार अंदर में, क्या आपसे बहुत ज़्यादा शांति थी, मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं ना कि एक पिन में गिरे और आपको पता चला जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि कुछ लोग ये यहाँ पे एक्चुअली ना आप ये भीड़ भाड़ वाला जगह पे नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा शांति है और बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ आप नेचुरल फील ले सकते हैं, नेचुरल फील होगा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मेडिटेशन करने के लिए आई थिंक इट इज़ द बेस्ट प्लेस, क्या बोलते हो? बहुत ज़्यादा सही है। तो चलिए अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं इधर से और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेम्पल में। गाइस एक्चुअली में अभी हम लोग का टाइमिंग थोड़ा सा ख़राब हो गया इधर में आने का, क्योंकि यहाँ 12-2 टेम्पल्स क्लोज रहती हैं और ये बात मेरे को पता नहीं था, बट अभी पता चला सडनली। कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं तो आपको दिखा कर ही जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टेम्पल में, अभी हमारे भाई साहब आ गए हैं, हवा लेने गए थे अपनी गाड़ी में। राइट नाउ गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं जापानीज मंदिर में, तो आप देख सकते हो हमारे पीछे ये जापानीज मंदिर। क्या लेते हैं भाई, ठंडे पड़ गए? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इसमें तो बहुत बात की है। ये देख सकते हो इधर से हम लोगों ने अभी एंट्री किया है और ये है जापानीज मंदिर, अंदर में अच्छा खासा
बैठने का बना हुआ है भाई साहब, पार्क टाइप का। तो अभी हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है, आराम भी कर सकते हो। चलो अभी इंटर करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जापानीज मंदिर में इंटर करने वाले हैं। एक सेकंड में आपको बैक रियर कैमरे से दिखलाता हूँ। साइन आउट करने वाले हैं। चलो अभिषेक भाई, चला जा नेक्स्ट टेम्पल में। बाय बाय। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होने वाला है। क्यों अभिषेक भाई? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, पॉसिबल नहीं है। मीन्स तीन चार टेम्पल में ही अभी आप देख सकते हो कि वीडियो कितना लॉन्ग हो चुका है। इसलिए इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, तो स्टे सब्सक्राइब्ड और सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखना। और पहले तो इस पार्ट को पूरा देख लो बढ़िया से, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करना, कोई बात नहीं है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा या फिर नहीं। चल।